अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03475625697। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। आज हम लोग मौजूद हैं अलकवी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर, और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर भाई। आमिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर भाई, आज हम कौन सी गाड़ी करेंगे? आज हम करेंगे विट्स। ठीक है, और ये इसमें हमारे रिव्यूज के लिए बताओ तो बड़ी दिलचस्पी वाली बात है, ये सबसे अप मॉडल गाड़ी है हमारे पास। सही। विट्स की 2016 का ये मॉडल है। गुड। 2020 में ये इम्पोर्ट हुई है। सही है। ये जेन्युइनली जापान की 49,000 चली हुई है, और इतनी नीट एंड क्लीन गाड़ी है कि मैं अभी जब हमारे व्यूअर्स, ये हमारी बात को आप ऐसे, अभी व्यूअर्स जब आप देखेंगे ना इस गाड़ी को, इंटीरियर और एक्सटीरियर इसके तमाम टूल्स, और इतनी नीट एंड क्लीन गाड़ी बहुत कम हमारे पास आती है। बिल्कुल सही। जिसने भी ये यूज किया बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल की। आपने चला के देखी इंजन वाइज कैसी है? बिल्कुल, इंजन वाइज इंजन, और जब आप इसके रिव्यू में देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है, और इसके साथ साथ ये फुल ऑप्शन गाड़ी है। इसके साइड मिरर भी ऑटो है, इसके फ्रंट बैक सारे मिरर ऑटो है, फुल इक्विप्ड गाड़ी है, फैमिली के साथ इंतहाई कंफर्टेबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे इसकी माइलेज आपने कितनी बताई है? 50,000 आप कर लें। 50,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000, बिल्कुल सही। आइए हम गाड़ी देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आपको दिखाता हूँ गाड़ी, अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो आप आ सकते हैं अलकवी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर, और ये गाड़ी अपने नाम कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आप इसका मीटर देख लें, ये हालात हैं इसके, बहुत ही लश कंडीशन में गाड़ी है। 49,891 किलोमीटर ये चली हुई है, ये आपके सामने है। 49,891 इसकी जो है वो माइलेज है, ये आप देख लें, और जेन्युइन जापान की चली हुई है विट्स, बहुत ही कमाल की। इस साइड से अगर आपको इसके कंट्रोल्स के बारे में बताऊं तो ये आपको दरवाजे के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडोज़ के, यहाँ से आप पिछले दरवाजे आप इसके जो है वो अप डाउन कर सकते हैं, और ये इसका दरवाज़ा, ये वाला जो है वो ऑटो है, ये देखिएगा, सही है, आप इसको एक दफ़ा दबाएं तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा बाहर के जो मिरर्स की बात करें तो बाहर के मिरर्स की बात करें तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप राइट में देखेंगे, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही है जी, इसकी मूवमेंट, ये हालात हैं इसके, सही है, ये आप लोग देख लें। उसके अलावा इसमें जो मज़ेदार चीज़ है, ये अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो इसके फैंस इस तरह से बंद होते हैं, जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे हैं, सही है, बिल्कुल अपडेटेड मॉडल है, बहुत ही कमाल का, सही है। और उसके अलावा एलईडी सामने कैनवुड की एलईडी लगी हुई है, बहुत ही शानदार कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत ही कमाल की है, ये आप देख लें कैनवुड। और नीचे से अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एसी और हीटर के फैंस के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सही है। नीचे आप देख लें, ये ऑटो गाड़ी है, सही है, यहाँ से आप इसका गेयर बॉक्स देख लें, ये ऑटो है। और नीचे से अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देख लें, सही है, ये हालात है नीचे से कारपेट के, ये आप लोग देख लें, सही है। इस साइड से आपको मैं दिखाऊं तो नीचे अभी रैपर भी रखा हुआ है, बहुत ही नया कारपेट है, वो बिल्कुल नया कारपेट है, इसलिए हमने रैपर भी इसके ऊपर रखा हुआ है। साइड से आपको मैं डैशबोर्ड दिखाऊं तो डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड है, ये आप देखें, काफ़ी खुला डैशबोर्ड है इसका, और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसके नीचे भी ये मौजूद है, सही है जी। और उसके अलावा इस साइड से लाइट देख लें, ये देखें लाइट यहाँ से बंद करके आप राइट भी ओनली ऑन कर सकते हैं और लेफ्ट भी ओनली ऑन कर सकते हैं, अगर दोनों ऑन करना चाहे तो यहाँ से दोनों भी ऑन हो सकती हैं। इस साइड से आप देख लें, ये हालात हैं इसके छत के, ये आप लोग देख लें, इस साइड से छत देख लें आप, ये हालात हैं इसके छत के। और सीट की अगर बात करें तो पर्सनल तौर पर कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा सीट का पसंद है, और उसके अलावा अगर हम बात करें वैसे भी सीट की हालत की, तो सीट की हालत भी बहुत ही कमाल की है, ये आप लोग देख लें, हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको इसकी मिल जाती है, ये आप लोगों के सामने है, बहुत ही कमाल की नर्म सीट है, क्योंकि ये सोफ़ा सीट है, ये आप लोग देख लें। आइए हम पीछे से चेक करते हैं क्या हालात हो वाकई है। जी, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पीछे, और नीचे से को मैं बम्पर चेक कर रहा हूँ, तो बम्पर आप लोग देखें, शानदार किस्म का बम्पर है, आप ये देखें, बहुत ही कमाल का शानदार बम्पर है, ये आप लोग देख लें, कोई भी टचिंग नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन। ये आप लाइट देख लें, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में इसकी लाइट मौजूद है। इस साइड की भी आप लाइट देख लें, लाइट बहुत ही कमाल की हालत में, जेन्युइन लाइट मौजूद है। एक दफ़ा पूरा का पूरा व्यू देख लें गाड़ी का, ये व्यू है पूरी गाड़ी का, ये आप लोग देख लें, सही है। और नीचे से अगर आपको मैं इस साइड का टायर दिखाऊँ तो टायर की हालत आप देखें, ये हालात है इस टायर के, ये आपके सामने हैं। पिछले दरवाजे की अगर हम बात करें तो पिछला दरवाज़ा आप देख लें, इस कंडीशन में इसका पिछला दरवाज़ा मौजूद है, ये इसके हालात हैं, ये आप लोग देख लें, जेन्युइन कंडीशन में, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में। और इस साइड से अगर को मैं दूसरा अगला दरवाज़ा इसका दिखाऊँ, जो कि ड्राइवर डोर है, ड्राइवर डोर आप देख लें, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में, ये आप देखेंगे, ये अभी इसको हमने पॉलिश भी लगाई है, ये आपके सामने है, सही है। इस साइड से फेंडर देख लें, फेंडर बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में फेंडर मौजूद है,
इसकी शाइन ही आपको बता रही है कि गाड़ी किस हालत में है। सही है, नीचे से अगर आपको इसमें अगला टायर दिखाऊं तो अगला टायर आप देख लें, ये हालात है अगले टायर के जी आपके सामने है। फ्रंट से अगर आपको मैं इसकी लाइट दिखाऊं, लाइट देखिएगा बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में इसकी लाइट मौजूद है। अगर आप बम्पर भी आप देख लें, बम्पर ये देख लें, अप्लाइड फॉर 2020 की इम्पोर्ट है ये आप लोग देख लें जी आपके सामने है। सही है, और सामने से आप बोनेट भी देख लें, ये हालात है इसके बोनेट के, ये आपके सामने है। अगर पूरी की पूरी गाड़ी का आपको मैं एक दफ़ा व्यू दिखाऊं तो पूरी की पूरी गाड़ी का व्यू ये है। सही है जी, लेफ्ट साइड का अगला टायर अगर को मैं चेक कराऊं तो लेफ्ट साइड का अगला टायर आप देखिएगा, ये हालात है इसके, ये आप लोग देख लें। सही है जी, और फेंडर आप लोग देख लें, फेंडर के ये हालात है, जेन्युइन कंडीशन में फेंडर मौजूद है। सही है जी, इस साइड का अगला दरवाज़ा आप लोग देख लें, ये कंडीशन अगले दरवाजे की, ये आप लोग देख लें। सही है जी, ये आपके सामने है, और पिछले दरवाज़ा भी आप देख लें, पिछले दरवाजे की कंडीशन भी ये है बिल्कुल शाइन में। और पिछला अगर आपको मैं इसका टायर दिखाऊं तो पिछला टायर आप देख लें, ये हालात है। गाड़ी देखते ही पता चलता है कितनी जो है वो कमाल की और कितनी जेन्युइन हालत में मौजूद है ये गाड़ी। एयर बैग जेन्युइन, हर चीज़ की बिल्कुल जेन्युइन, जीरो मीटर का लेंगे जी। गाड़ी आपने देखी है, जानी है सारी की सारी। होप आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप आ सकते हैं कभी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर, और ये गाड़ी अपने नाम कर सकते हैं। आमिर भाई इसकी प्राइस बताइएगा। जिसकी फुल एंड फाइनल प्राइस है 23 लाख रुपए। 23 लाख बिल्कुल सही, 23 लाख में ये नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ठीक है, अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप आ जाएं कभी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर, और ये गाड़ी अपने नाम कर लें। आई होप आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी दुआएं, एक तो मैंने आपके लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।